महाशिवरात्रि को मनाने की परंपरा की नींव वेदांत के दादाजी ने रखी थी। पूर्वा, इस दिन घर की सारी बहू निर्जल व्रत रखती है। निर्जल व्रत किस लिए? पूर्वा, दादाजी मानते थे कि इस दिन हम जल का त्याग करके भगवान को धन्यवाद देते हैं। हाँ, और फिर दिन भर ये निर्जल व्रत रखने के बाद पूरा परिवार रात को मंदिर जाता है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, और जो घर की बहुएं होती है वो अपना व्रत खोलती है। पूर्वा, तुझे ना भोग के लिए खीर बनानी है, सबके साथ तुझे भी ये निर्जल व्रत रखना है। खीर तो मैं बना लूंगी, लेकिन ये निर्जल व्रत मुझसे नहीं। वो एक्चुअली ये व्रत वगैरह पे मेरा विश्वास ही नहीं है, तो मैंने कभी किया ही नहीं। नानी मौसी भी सच में व्रत नहीं रख पाएंगी। अरे, इस उम्र में कहाँ व्रत रखा जाएगा? मेरा मतलब है, पूर्वा बेचारी कहाँ व्रत रख पाएगी, इतनी सी तो है ना। बेटा, बदलाव का ही तो नाम जिंदगी है, और फिर शादी के बाद नए तौर तरीके परंपराएं अपनानी पड़ती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि तू ये निर्जल व्रत जरूर रखेगी। अगर दी व्रत नहीं रख पाएंगी तो उनकी जगह मैं रख लेती हूँ व्रत नानी मौसी। नहीं पंखुड़ी बेटा, ये जो व्रत है निर्जल, ये घर की बहुएं रखती हैं, तू मत रखो। दादी, व्रत के लिए हाँ कह के फिर छुपके खाऊं वो मैं नहीं करूंगी, इसलिए मना कर रही हूँ। और निर्जल व्रत में तो एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते, ये शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा। किसी को ढोंग रचाने की क्लासेस लेनी हो तो ये प्रोफेसर मैडम है ना, ट्यूशन क्लासेस ले लो भैया। अरे घूमती, खुलिए के साथ साथ तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। अम्मा, आप ना व्रत व्रत करती रहना, एक बात बताए मुझे, जब ये ना अपने घर की हुई ना घर वाले की, तो ये हमारे घर के लिए व्रत क्यों रखेगी? अरे शर्म बेचकर खा गई है ये बेशरम। तभी तो शादीशुदा होने के बावजूद भी 2400 घंटे अपने वो भगोड़े आशिक की याद में तड़पती रहती है। क्या आप गोमती, तेरी ऐसी बातें सुनकर ना मुझे बहुत दुख पहुंचता है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि अम्मा? गलती नहीं, सच्चाई है, वो भी सबूत के साथ। हाँ, मुझे मालूम था तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। पुलिस सबूत मांगती ना तो दिए देते हैं सबूत भी। बुआ, मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं तो दुल्हन बनी मंडप पे इंतजार कर रही थी जब राहुल मुझे किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी, और अब ऐसे में दुनिया को देखो या खुद को संभालो कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं सच में समझती हूँ कि आप क्या महसूस कर रही, क्योंकि उसी दर्द से मैं भी गुजर चुकी हूँ। वो लड़का राहुल, वही था तुम्हारा पहला प्यार? हाँ, पहला प्यार। पहले प्यार को भूल पाना आसान नहीं होता है ना? जी, याद तो आ ही जाती है। औरत होने के नाते मैंने आपके साथ अपना दर्द बांटा, और आप उसी बात को ऐसे घुमा फिरा के मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?
आपकी शादी टूटने के पीछे मेरा हाथ नहीं है बुआ। और वैसे भी जिसकी भी शादी आपसे होगी उसकी तो जिंदगी बर्बाद होनी है, तो अच्छी बात है ना कि प्रीतम जी बच गए। ये नागिन कैसे जहर से भरी पड़ी थी, आज उगल दिया ना सारा। अच्छा एक बात बता, तूने और तेरे ये जोरों के गुलाम ने मेरी प्रीतम जी के साथ शादी तोड़वाने के लिए क्या किया? और क्या किया? घूमती इतने सालों के बाद पूरा परिवार मिलकर महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है। तेरे बाबूजी हम सबको साथ देकर कितने खुश हो रहे होंगे, लेकिन तेरी इस हरकत की वजह से। अम्मा ना तो बाबूजी देख रहे हैं ना तुम्हारी। आज पहली बार तेरे कारण अम्मा ने, तू देख ये थप्पड़ तुझे कितना महंगा पड़ता है। वेरी सॉरी वेदांत, मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी, पर आप जानता है ना गोमती बुआ ने, गोमती बुआ ने तुमसे कहा था व्रत ना रखने के लिए और दादी को हर्ट करने के लिए। अगर तुम पहले ही थोड़ा सोच समझ के बोलती तो इतना बड़ा तमाशा ही नहीं होता। पर मुझे अगर पता होता कि इस त्योहार के लिए व्रत रखना पड़ता है तो मैं आपको पहले ही बता देती। वेदांत थी, ये बहुत बढ़िया किया है तूने। अब हमें एक काम और करना है कि उसका ये जो महाशिवरात्रि का प्लान है ना, सारे का सारा चौपट कर देना है। क्या समझता है वो? हाँ गुदड़ी लाल ने बहुत बड़ा सौदा कर लिया क्या? सौदा? और फिर गुदड़ी लाल? भैया आप सच सच बताइए आखिर चक्कर क्या है? अरे गुमती चक्कर तो तूने चलाया है, और वो भी ऐसा चक्कर इसमें फंसकर पूर्वा चारों खाने चित। लेकिन एक बात मुझे और समझ आई है कि अगर वेदांत को चोट पहुंचानी है ना तो उसकी दुखती नस दबाओ, यानी पूर्वा। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरी जिंदगी नर्क बना के वो महारानी खुद चैन की सांस ले रही है। आज उसके कारण अम्मा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, अब उसी की जिंदगी से लपर ना पड़वाए ना मैंने, और हाथ जोड़ के उसने नाक रगड़ के माफी ना मांगी तो मेरा नाम भी गोमती नहीं। दादी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे व्रत के लिए मना करने से आपको बहुत दुख पहुंचा है ना। देख पूर्वा, अमृत मंथन के समय जो विष निकला था ना, भगवान शंकर ने पीकर उसे अपने कंठ में अपने गले में ही रोक लिया था। मेरा वेदांत बिल्कुल वैसा है, रमेश से मिले जहर को उसने कभी अपने दिल तक नहीं उतरने दिया, उसका दिल बिल्कुल साफ है और इसलिए उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। बेटा आज जो भी मैंने कहा है ना उसका ध्यान रखना। जीती रहे। दादी वो भोग के लिए खीर मैं बनाऊं? नानी कहती है
कि मैं खीर अच्छी बना लेती हूँ। जरूर बना, और पूरे हक से बना, तेरा खुद का ही तो परिवार है। और एक बात बताओ, थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेना, कि मुझे बहुत पसंद है। त्योहार मजे करने के लिए होते हैं, टॉर्चर करने के लिए। आप यहाँ बैठो और ये खाओ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया दी, मजाक है क्या? खाओ। मुझे नहीं खाना पंखुरी, तू खा ले। नहीं, मैं नहीं खा सकती, मेरा फास्ट है ना। अब तेरा किस खुशी में फास्ट है? वो मैं आपकी फेवरेट बहन हूँ ना, तो मैंने सोचा कि आपने कभी व्रत किया है नहीं और आपसे हो नहीं पाएगा, तो आपके बिहाफ पे मैं रख लेती हूँ। अरे पर वहाँ जानती हूँ कि ये व्रत घर की बहुओं के लिए है, तभी तो मैंने कहा बिहाफ, मतलब हाफ बहू मैं भी तो हुई, वेदांत की साली, आधी घर वाली टाइप्स। पागल है तुम। आप ये सब छोड़ो, आप खाओ, आपने कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा। पंखु प्लीज, मैं व्रत रख रही हूँ। आप व्रत निर्जल? हाँ, आपसे नहीं हो पाएगा दी। वो क्या है ना पंखुरी मैडम, जिद्दी तो मैं बचपन से हूँ, और आज मैं अपनी भूख को अपने जिद के आगे हरा के दिखाऊंगी। जो इलाका दुश्मनों से भरा हो वहां जाना महंगा पड़ सकता है दी। मतलब? मतलब कि आप इतनी मेहनत से खीर और ये सब बना रही, और गोमती बुआ वहां पे बस एक तलाश में है कि वो कब आपकी मेहनत और खीर दोनों बिगाड़ दे। पहले एक बार ये हादसा हो चुका है, अभी बच के। लेकिन अब की बार लड़ाई एक तरफा नहीं होगी, उन्हीं के बनाए इस खेल में उन्हें हराऊंगी, देख लेना तू। कैसे? जैसे उन्होंने किया था, लेबल्स बदल दूंगी, नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक, जिसे वो नमक समझ के खीर में डालेंगी वो एक्चुअली चीनी ही होगी, और उसके बाद उनका मुंह भी देखने लायक होगा। हंसले चुड़ैल हंसले, ये तेरी आखिरी हंसी है। अच्छा चल लिख, रात की पूजा के लिए थोड़े बेलपत्र, कच्चा दूध, थोड़े फल, फूल, और हाँ 6 वरमालाएं, और सुन अपने जैसे खाली खाली मत लाना, अच्छी वाली लाना, थोड़ी भरी भरी सी। चल जा। आप दादी पूजा में वरमालाएं क्यों? शिव पार्वती के साथ और किस किस की शादियां करवा रही हैं? जितना कहा गया ना, पहले वो कर ले सुमति। मंजुला, अरे भाई जल्दी चलो, देर हो जाएगी। कहाँ चली सवारी? अम्मा बस यहीं थोड़ा बाजार व शॉपिंग वगैरह करने के लिए, सोचा मंजू को भी साथ ले लूं। मैं यहाँ कहते कहते मर गई, पर तुम पर तो कोई जू तक नहीं रहेंगी, कुछ सीखो अपने भैया से। वही तो, उन पर जू नहीं रहेंगी, कोई भूत पिशाच चिमड़ गया है, मुझे तो वशीकरण लग रहा है। बहाने। माफ कीजिएगा, ज्यादा देर हो गई ना। माँ, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, है ना बाबूजी? हाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे माँ ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? अरे भाई
तुम हमेशा ही बहुत सुंदर लगती हो, शायद मैंने ही कभी गौर से नहीं देखा। सूरत और सीरत से मेरी मंजुला जैसा पूरे प्रयागराज में कोई, ये लो शर्मा गई। हाँ जी, अब चलें। जी। वेदांत, ये हंसी, ये अपनापन संजीवनी सदन में हमेशा ऐसे ही रहेगा ना? दादी, मेरा पूरा भरोसा है भोलेनाथ पर, आप भी रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ होशियारी करेगी, डब्बे के लेबल चेंज करेगी महारानी। नमक के डब्बे में चीनी और चीनी के डब्बे में नमक डालेंगे हम तो। अभी बताती हूँ इसको। ये यहाँ गई तेरी खीर में नमक और वहां तेरे जीवन में जहर। संभल कर बुआ, कहीं जुबान ना जल जाए। अरे बुआ, चीनी के डब्बे में चीनी ही है, मैंने लेबल्स नहीं बदले। वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको मेरी और पंखुड़ी की बातें सुनते हुए देख लिया था। वैसे भी खीर में मैंने चीनी डाली ही नहीं, आपने नमक समझकर डाल दिया, मेरा काम हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है खीर तो। ओह भगवान, ये क्या हो गया, भोग से पहले खीर झूठी हो गई। भगवान इसे माफ करना लड़की को। बुआ, एक मिनट बुआ, आप इस तरह नहीं जा सकती। तो कैसे जाएं, उड़ के जाएं? अरे त्योहार में भी इतना शोर, क्या हुआ? गोमती बुआ ने भोग में चढ़ाने वाली खीर झूठी कर दी है दादी। नहीं अम्मा, हमने झूठी नहीं की, झूठी तो ये है। बेबुनियादी इल्जाम लगा रही है अम्मा पर। इन्हें तो कुछ भी करके भोग वाली खीर बर्बाद करनी ही थी। गोमती? नहीं अम्मा, हमने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ और नहीं मिला तो गोमती है ना, इल्जाम लगा दो। कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर ये क्या है? क्या? अब रेडियो का जमाना गया बुआ, अब तो वीडियो का टाइम आ गया। अम्मा, वो कंप्यूटर पे आजकल चेहरे बदल देते हैं, बताओ ऐसा तो जमाना आ गया आजकल। वेदांत, मैंने तुझसे पूछा था ना कि संजीवनी सदन में खुशियां ऐसे ही रहेंगी, देख ले नहीं रहेंगी। जहां आपस में सब इतनी नफरत करते हैं, वहां क्या त्योहार और क्या खुशियां मनाना।
बस इतना चाहता था कि हम सब मिलके इस त्योहार को मनाएं, जैसे एक परिवार को मनाना चाहिए। वेदांत, आप प्लीज ऐसे मत जाइए। आप देख क्यों नहीं रहे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है? वो तो गोमती बुआ है। गोमती बुआ के करने ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है पूर्व, पर तुमसे मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगी। मुझे लगा तुम और मैं मिलकर इस दिन को यादगार बनाएंगे अपने परिवार के लिए।